दोस्तों, जैसे कि कई केसों में ऐसा होता है कि लड़कियों का आधार कार्ड बनता है और उनका विवाह हो जाता है, तो वहाँ पे उनको आधार कार्ड में अपने पति का नाम एंटर करवाना पड़ता है। तो उसके लिए उनको सेंटर पे जाने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आधार कार्ड में आप अपने हस्बैंड या फिर पिता का नाम चेंज कराना चाहते हैं तो आपको कहीं भी सेंटर पर जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी आधार कार्ड सेंटर पर आप अपने फ़ोन के द्वारा ही अपने आधार कार्ड में करेक्शन आसानी से कर सकते हैं। पेरेंट्स और पिता और एड्रेस, यानी कि ये जो तीन चीज़ है, पेरेंट्स का नाम और हस्बैंड का नाम और एड्रेस, आप घर बैठे मोबाइल के द्वारा ही सेल्फ पोर्टल से ही आप आसानी से इसको करेक्शन करा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि आप कैसे इसको करेक्शन करा सकते हैं, वो भी घर बैठे। कोई भी चार्जेबल फीस नहीं है, बस 24 घंटे के अंदर आपका ये जो करेक्शन है आसानी से हो जाता है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि मैं इसके रिलेटेड वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ और आपको की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी और आप वीडियो देख पाएंगे सबसे पहले। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल में या फिर गूगल क्रोम में, क्रोम ब्राउजर में आ जाना है। उसके बाद सिंपल आपको सर्च बॉक्स में आधार कार्ड लिखना है। जैसे ही आप आधार कार्ड लिख कर सर्च करेंगे, उसके बाद आपको फर्स्ट पे ही आएगा UIDAI, यानी कि आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट। इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इसको स्क्रॉल डाउन करते चले आएंगे नीचे। उसके बाद आपको सबसे ऊपर गेट आधार का ऑप्शन होगा, उसको छोड़ देंगे और आपको यहाँ पे आधार अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। अपडेट आधार का, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। इसमें आपको अपडेट योर एड्रेस ऑनलाइन, इस पर क्लिक करना है। इसमें ही आपको अपने पेरेंट्स या फिर हस्बैंड का नाम चेंज करने को ऑप्शन आएगा, इसलिए अपडेट योर एड्रेस ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये सेल्फ पोर्टल पे सेंड कर देगा। उसके बाद यह देख सकते हैं कि आधार सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल, यानी कि अपने स्वयं अपने आधार कार्ड में करेक्शन करा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ से आपको प्रोसीड टू अपडेट एड्रेस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आपने आधार नंबर, जो भी आपका आधार नंबर होगा, उस आधार नंबर को यहाँ फिल कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे जो कैप्चर ये दिख रहा है, इस कैप्चर को यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम ये एड्रेस भर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आधार कार्ड नंबर और ये कैप्चर कोड है, इसको सही सही भर लिया। उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सेंड OTP पे क्लिक करते हैं, ये देखिए, वन टाइम पासवर्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली सेंड योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी कि मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP सेंड कर दी गई है। और जैसा कि आपको शो रहा है कि मेरी OTP वहाँ पे आ चुकी है, तो हम OTP को यहाँ पे फिल कर लेते हैं। OTP यहाँ पे देखिए, यहाँ पे OTP को फिल करना है। तो चलिए हम OTP को यहाँ से फिल कर लेते हैं। OTP देने के बाद सिंपल आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए आधार अपडेट पोर्टल, अब आधार ऑनलाइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेगा। एक तो दिख रहा है आधार ये वाया एड्रेस प्रूफ के द्वारा, और दूसरा आपको दिख रहा है सीक्रेट कोड के द्वारा। तो सीक्रेट कोड पे तो हम नहीं बताएंगे, क्योंकि इसका एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। तो सिंपल आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और आपको सबसे फर्स्ट नंबर पर आपका ऑप्शन आ रहा है कि अपडेट एड्रेस वाया एड्रेस प्रूफ, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको सिंपल स्क्रॉल डाउन आना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो पहले का एड्रेस होगा, ये आपको आसानी से ऊपर दिख जाएगा कि ये आपका पहले का एड्रेस है। और आप अगर चेंज कराना चाहते हैं तो सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जो केयर ऑफ लिखा है, इसमें ही आपको अपने फादर नेम या फिर अपने हस्बैंड का नाम, जिनका भी नाम चेंज करना चाहते हैं अपने पेरेंट्स में या फिर हस्बैंड में, यहाँ पर आपको उनका नाम यहाँ पर दे देना है। यहाँ पे देने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन आना है। उसके बाद अपने जो आपका एड्रेस होगा, मकान नंबर, अपार्टमेंट या फिर हाउस नंबर, बिल्डिंग जो भी होगा उसको दे देना है। उसके बाद स्ट्रिक्ट रोड लाइन ये एड्रेस देते चले जाना है। उसके बाद लोकेलिटी दे देना है। उसके बाद लैंडमार्क देना है, या पर अगर लैंडमार्क नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं, फिर यहाँ से दोबारा से अपने पिन कोड को दे देना है। पिन कोड देने के बाद आप यहां से विलेज सेलेक्ट कर लेंगे अपना, जो भी आपका विलेज होगा या फिर टाउन होगा, वो अपने जैसे आप पिन कोड देंगे उसके हिसाब से आपके ये पोर्टल ओपन होता चला जाएगा। फिर अपना पोस्ट ऑफिस, फिर डिस्ट्रिक्ट दे देना है, फिर स्टेट,
स्टार्ट देने के बाद प्रीव्यू देखेंगे। तो चलिए हम जल्दी से इस फॉर्म को फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद नीचे आपको प्रीव्यू का ऑप्शन हो रहा है, यानी कि आपके एड्रेस पे कैसे दिखेगा। तो प्रीव्यू पे जैसे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं आसानी से आपका जो प्रीव्यू है आसानी से शो हो जाएगा। यहाँ से आपका जो भी करेक्शन किए होंगे आपको यहाँ दिख जाएगा। तो आसानी से देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे फादर नेम को चेंज किया था, हमारे में डी डबल ई था, मैंने डबल डी डबल ई करना था तो यहाँ पे मैंने कर दिया है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, अगर आपका ये करेक्ट है तो सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक करना है, अगर आपका गलत है तो यहाँ पे एडिट पे आकर कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका ये पूरा कंफर्म है तो सिंपल सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद अब आपका एक लास्ट स्टेप है, देखिए यहाँ पे दो स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अपलोड, जो कि अपलोड डॉक्यूमेंट्स करना है, तो सिंपल आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे जो सिलेक्ट का ऑप्शन हो रहा है तो सिलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इसमें से जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है उसका आपको फ़ोटो ले लेना है। फ़ोटो लेने के बाद जैसे कि आपको पासपोर्ट हो या फिर बैंक स्टेटमेंट, पासबुक, पोस्ट ऑफिस अकाउंट स्टेटमेंट, राशन कार्ड, वोटर आईडी, यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। अगर इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो उस डॉक्यूमेंट्स को यहाँ से कर लेते हैं। तो मैं वोटर कार्ड लगा दूँ तो वोटर कार्ड पर यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ जो नीचे आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स है, इस अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपने गैलरी में या फिर के फ़ोटो, जो भी फ़ोटो होगा उसमें आ जाना है। उसके बाद अपने फ़ोटो को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने फ़ोटो को सिलेक्ट करने के बाद सिंपल आपको सबमिट करना है। तो जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपको ये URL नंबर जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस URL नंबर को आपको नोट कर लेना है, या फिर नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा है PDF डाउनलोड का, PDF डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद ये 24 घंटे के अंदर, या फिर आपको कई केसों में ऐसा होता है कि 7 दिन का समय लग सकता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप 24 घंटे में आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए चेक करने के लिए क्या करना होगा, आपको दोबारा से आ जाएंगे आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे और फिर दोबारा से अपडेट आधार वाले ऑप्शन पे चले आना है। उसके बाद आप यहाँ से चेक कर सकते हैं चेक आधार अपडेट स्टेटस, इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके जो करेक्शन किए रहेंगे उस पे आपको आधार नंबर दे देना है और नीचे URN नंबर आपको ऑप्शन शो होगा, तो URN नंबर दे के सिंपल आपको यहाँ पे चेक स्टेटस पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से आप आसानी से अपने स्टेटस को देख सकते हैं। तो इस प्रकार आप बिना सेंटर गए हुए, बिना किसी पैसे खर्च किए हुए, घर बैठे मोबाइल के द्वारा ही आसानी से चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपने हस्बैंड या फिर पति का नाम आसानी से चेक करा सकते हैं या फिर करेक्शन कर सकते हैं। तो आशा है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें।